उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में एक सवाल इन दिनों खूब जोरों से उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। दरअसल हाल के दिनों में प्रशासनिक महकमे चाहे वो ISO, IPSO या फिर PCS अधिकारी में लगातार तबादले हुए हैं। अब CM योगी ने हर जिले की रिपोर्ट भी मंगा ली है, इसमें जिला स्तर पर चलने वाली योजनाओं का हाल जाना गया है। प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। आम लोगों के स्तर पर आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग CM योगी स्वयं ही कर रहे हैं। अब इसने अधिकारियों की टेंशन काफी बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ जिला स्तर पर चलने वाली योजनाओं की निगरानी खुद कर रहे हैं। वो आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की खुद योजना और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जनता दर्शन, जन सुनवाई, समाधान प्रणाली और CM हेल्पलाइन पर चलने वाले शिकायतों की रोजाना उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है। CM के पास आम लोगों की शिकायतों से जुड़ी हर जिले की रिपोर्ट है और इसी के आधार पर जिले के कई अफसर रडार पर आ गए हैं। जल्द कई जिलों में अफसरों पर कार्रवाई की बात भी सामने आने लगी है। लोगों की शिकायतों के समाधान में देरी के मामले में CM ने सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। बताते चले, योगी आदित्यनाथ 2.0 में आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के आधार पर अफसरों को दंड और इनाम मिल रहा है। अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी जा रही है, तो वहीं खराब प्रदर्शन करने वालों को किनारे लगाया जा रहा है। हाल ही में कई ऐसे अफसरों को निलंबित करने से लेकर अन्य प्रकार के दंड भी दिए गए। CM योगी के जनता दर्शन में पहुंच रही हर शिकायतों का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे मामलों में कार्यवाही की जरूरत के हिसाब से संबंधित अधिकारी को भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में निचले स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई का फैसला हुआ। बता दें, CM के जनता दरबार में कुछ शिकायतें या मांग लगातार की जाती हैं। ये शिकायतें ऐसी हैं जो बार बार होती हैं। इसमें कई मामले CM से जुड़े नहीं होते। इन मामलों को संबंधित विभागों में कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मेडिकल आर्थिक सहायता से जुड़े होते हैं। इन मामलों में CM की ओर से संबंधित सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर राशि भेजी जाती है। बताया गया है कि इस प्रकार के आर्थिक सहायता से जुड़े हर रोज करीब 25-25 प्रार्थना पत्र जनता दरबार में शिकायत में आते हैं। फिलहाल देखा जाए, जब बात आम जनता की आई तो गुस्से में CM योगी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने जो फैसला लिया है, अब उससे अधिकारियों की टेंशन काफी बढ़ चुकी है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में CM योगी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।